हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से कोल इंडिया शेयर पर रिव्यू। हमारा रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी एल्गोरिदम हमारी सॉफ्टवेयर ने देख लीजिए कितना प्रतिशत का प्रॉफिट बना के दिया है, वो भी नंबर ऑफ डेज में। आप देख सकते हैं प्रतिदिन का मैंने आपको टारगेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और तकरीबन 5 दिनों में 23% का रिटर्न बनाकर दिया है कोल इंडिया ने। अब एक ऐसा ही शेयर जो कि गवर्नमेंट का ही है और वो चलने वाला है, एक और शेयर का नाम देने वाला हूं। यदि कोल इंडिया में पैसा कमा लिया है, किसी और शेयर में भी निवेश करना चाहते हो, तो एक ऐसा शेयर और देने वाला हूं। जैसी कमाई अभी कोल इंडिया में हुई है सेम टू सेम, उतनी कमाई और भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो धमाकेदार गवर्नमेंट की एक और कंपनी आप लोगों के लिए लेकर आया। ओके, अब पहले बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ऑलरेडी 23% का रिटर्न दे चुका है। वीकली चार्ट का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, टारगेट्स आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम ने ब्रेकआउट दे चुका है 250 रुपए का, और लास्ट टाइम का जो हाई था तकरीबन 264 के फर्स्ट टारगेट को अचीव करके वो आगे निकल चुका है। क्या और आगे ये जा सकता है ये शेयर? इस चार्ट पर हम बातें करेंगे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, क्योंकि वीकली चार्ट्स पर तो तकरीबन 130 रुपए से सिग्नल था। यदि आपके पास कोल इंडिया के ऑलरेडी शेयर्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलना मत। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड स्टॉक कैश के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस। तो यहाँ पर देखिए टारगेट नंबर 1 और 2 को अचीव कर चुका है यहाँ पर, और टारगेट नंबर 3 जो तकरीबन यहाँ पर वीकली चार्ट्स में 300 रुपीज का बनता है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, एंड उससे ज्यादा यदि ऊपर हम बातें करें कि क्या ऑल टाइम हाई को टच करने की इस बार कोशिशें करेगा, क्योंकि वह यदि ऐसा देखा भी जाए तो अभी भी जो हमारे देश के जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, 99.9% कोल ब्लॉक्स हैं वो कोल इंडिया ऑन करता है, पहली कंडीशन नंबर 1। सेकेंडरी कंडीशन है कि कोल इंडिया बहुत बड़ी एक कंपनी है, विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि कोल उत्पादक है, विश्व की सबसे बड़ी कोल कंपनी है ये। जी हाँ, सेकेंडरी कंडीशन है कि सबसे ज्यादा कोल ब्लॉक इसी के पास है। थर्ड कंडीशन है कि एकमात्र वर्चस्व वाली कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस बनता है ये। सेकेंडरी कंडीशन आती है कि क्या अब इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने में समझदारी है, और क्या लंबी अवधि में चल रहा है, इसका कारण क्या है चलने का, इसका कारण ये भी है गाइस। तो यहाँ पर जो टारगेट्स है मैं मार्किंग करते हुए चलता हूँ, इसका टारगेट नंबर, ये मुझे टारगेट्स लगते हैं कि भविष्य में देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के टारगेट्स जो कि आ सकते हैं। ये इसका चलने का कारण क्या है, यदि हम इसके बारे में बात करें कि तो आज के देश में, पूरे देश में अभी तक जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है वो मात्र और मात्र 80% जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कोल इंडिया किससे कोल परचेस करते हैं, कोल उत्पादक के प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। और अभी भी एकमात्र ऐसा बोला जाता था कि नहीं अभी ये इथेनॉल आ जाएगा वगैरह 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 आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाएगी, तो इसके वजह से इसका उत्पादन कम हो जाएगा, इसकी वजह से इसका प्राइस घट जाएगा, ये स्टॉक गिर जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक इसका वर्चस्व खत्म नहीं होता, डिमांड और सप्लाई का रूल खत्म नहीं होता, जब तक स्टॉक की कहानी खत्म नहीं हुई है, स्टॉक तो अब चलना शुरू करेगा। मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दे रहा है, मंथली चार्ट को एक लॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है, एक लंबा ब्रेकआउट देने के बाद एक लंबा टारगेट भी बनता है तकरीबन 315 रुपए का। इसी रेंज के आसपास बहुत थोड़ा सा अटकेगा और अटकने की कोशिश करता हुआ निकलने की कोशिश करेगा 315 320 के आसपास, और इसके ऊपर यदि निकलने में कामयाबी मिली तो फिर से एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो कि ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जो कि ध्यान से देखिए पहला लेवल था जब लिस्टिंग हुई थी इस शेयर की, जब सन 2011 में तकरीबन इसने लिस्टिंग करा था, तकरीबन 10 में लिस्टिंग करा था, सन 2010 में लिस्टिंग करी थी, और उसके बाद एक टॉप लेवल लगाया था जो कि 426 का लेवल था, ये वाला लेवल था, और इसी लेवल के करीब करीब 428 का लेवल था, और तकरीबन 444 का लेवल था। इस हिसाब से दोनों टॉप लेवल को टच करती है एक लाइन को हम यदि मार्केट में लगाते हैं, तो यहाँ पर मुझे एक टारगेट मिलते हैं तकरीबन 400 एंड
90 रुपीज तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के इस तरीके के टारगेट्स बनते हुए नजर आते हैं। 80 to 90% के टारगेट बनते हैं, और यहाँ से कोल इंडिया पर अभी भी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तकरीबन 80% का रिटर्न बन सकता है। मतलब 282 से अभी भी तकरीबन 400 और भविष्य में 500 के ऊपर ये निकलता हुआ नजर आ सकता है। अभी आगे बात करते हैं, एक ऐसा और शेयर जो मैंने आप लोगों को कहा था, जो कि भागसकता गवर्नमेंट की कंपनी है, खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन। गाइस भागने वाला है, पूरी तरीके से दिखाई देता है। चार्ट स्ट्रक्चर कंसोलिडेटेड व्यू है। आज एक दिन में 3% की तेजी है, और यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, आप लोग रीड कर सकते हैं कि एल्गोरिदम तो सॉफ्टवेयर तो बोल चुका है हमारा बाइंग सिग्नल है, और चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी एक बाइंग का ब्रेकआउट दिखाई देता है। आज 712 रुपए के भाव में खरीदारी की सलाह देता हूं मैं स्टॉक कैश में, एंड स्टॉक ऑप्शंस में तकरीबन 800 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीदारी कर सकते हैं। एंड टारगेट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए बातें करें तो सही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ट्स को ऑन कर लेते हैं। चार्ट लेवल पर जो टारगेट्स बनते हैं, जो इस लेवल के बनते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये टारगेट लेवल है हमारा 812 रुपए। यदि इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाबी मिलती है, तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों के लिए फिर बिग टारगेट, जो कि 900 और फिर तकरीबन 1000 के टारगेट बनते हैं, जो कि लंबी अवधि के निवेशकों के हिसाब से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑल टाइम हाई को अचीव करने की कोशिश करेगा, और भविष्य में 700 का 1000, 1, 2, 3 करता हुआ नजर आता है। क्योंकि कंटेनर कॉरपोरेशन भी एक ऐसी थोड़ा सा मोनोपोली बिजनेस नहीं बोल सकते, बट अच्छा बिजनेस है, चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, एंड गवर्नमेंट की कंपनी। आज गवर्नमेंट की सभी कंपनियों में कहीं ना कहीं निवेशक बहुत ज्यादा सपोर्टिंग दिखाई दे रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, खरीदारी करने की सलाह होगी कंटेनर कॉरपोरेशन में। गाइस रिक्वेस्ट करता हूँ, गाइस यदि आपने कंटेनर कॉरपोरेशन खरीद के रखा है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना, एंड यदि कोई और सवाल हो स्टॉक कैश से जुड़ा हुआ तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। स्टॉक कैश में देखिए, हमारे हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी रिकमेंडेशन कराया कंटेनर कॉर्पोरेशन का, खरीदारी करने की राय दी है कंटेनर कॉर्पोरेशन की। इसके रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड आइडिया फोर्ज, एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कमाई का मौका भी है और एक बड़ा कमाई का मौका भी है। यदि गिरावट हुई तो निकल जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, मगर खरीदारी हो गई तो एक बड़ा मौका मिलेगा आप लोगों को पैसा बनाने का। मैंने ऑल टाइम हाई लिख दिया है बैंक निफ्टी को, और वो कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करने के लिए। पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम तकरीबन आज भी 300 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की मदद से, तो आप देख सकते हैं कि मात्र और मात्र 5 मिनट्स के चार्ट ने क्या रिटर्न दिया है। 5 मिनट का एक सिग्नल 44,480 का था बैंक निफ्टी, और अभी हाल यहाँ पर चल रहा है 45,000 तकरीबन 400 का हाई लगा के आ चुका है। सिग्नल, एक सिग्नल की वैल्यू है, वो भी 5 मिनट के चार्ट की। सीखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट अस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।